ये तो हम सभी जानते हैं कि सुशील कुमार ने कल अपनी पत्नी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। इस दौरान वो काफी भावुक भी हुए और रोने लगे, ये तो सब जानते हैं। लेकिन उनकी पत्नी ने क्या कहा सुशील कुमार से, ये हम आपको बताएंगे। सुशील कुमार की पत्नी ने इस 15 मिनट की बातचीत के दौरान क्या कुछ सुशील कुमार से बातचीत की है, ये बातें सुनिए। जेल सूत्रों के मुताबिक सुशील कुमार पहलवान काफी दिनों के बाद अपने घर पर बात कर रहे थे। इस दौरान पहले तो उन्होंने यही कहा कि ये सब कुछ मुझसे अनजाने में हुआ है, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझे माफ कर दिया जाए। अपनी पत्नी से सुशील कुमार ने माफी मांगी। इस दौरान पूरी व्यथा जो उनके साथ हुई है, बीती है, सब कुछ एक एक उन्होंने अपने परिवार को बताई। क्योंकि भले ही सुशील कुमार एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक पदक विजेता है, लेकिन फिर भी गुनाह करने के बाद तो वो सिर्फ एक मुजरिम है। और मुजरिम को जेल के अंदर किस तरह के खाने पीने का डाइट होता है, ये बताने की शायद किसी को जरूरत नहीं है। सुशील कुमार पहलवान एक पहलवान है और उनकी डाइट भी अच्छी खासी है, तो रोजाना करीब 25 अंडे खाते हैं। इसके साथ ही ब्रेड, ऑमलेट, हेल्दी चीजों को खाकर अपने शरीर को फिट रखते हैं। लेकिन जो कृत्य उन्होंने किया है, उसके बाद इतना सब कुछ खाने वालों को भूख नहीं लग रही है। ये सब बातें हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सुशील कुमार ने अपनी पत्नी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन्हीं सब बातों का जिक्र किया। क्योंकि जेल में जिस तरह का खाना मिलता है, उस खाने से सुशील कुमार का पेट भी नहीं भर रहा है और जेल में मिलने वाला खाना वो खाना भी नहीं चाहते। ऐसे में बड़ा सवाल है कि सुशील कुमार का जब पेट नहीं भर रहा है तो उनके साथ आगे क्या होगा, आगे वो जेल में अपनी जिंदगी कैसे गुजारने वाले हैं। सुशील कुमार पहलवान को सबसे ज्यादा दिक्कत इस समय खाने की ही है। जरा सोचिए, जो आदमी बहुत मोटा तगड़ा होता है, अगर 6 महीना जेल में बिता दे तो वो आधा हो जाता है, यानी कि उसका वजन हल्का हो जाता है, आधा वजन हो जाता है। इस बात की अगर प्रमाणिकता ली जाए तो राम रहीम को देखिए, राम रहीम किस तरह से अब हो गया है। जरा सोचिए, सुशील कुमार पहलवान को अगर इस तरह से जो डाइट उनके शरीर को जरूरत है वो नहीं मिली, तो क्या उसके बाद सुशील कुमार काफी कमजोर हो जाएंगे। हालांकि सुशील कुमार पहलवान ने इसकी मांग की है और आगे प्रक्रिया पूरी की जा रही है, लेकिन अब देखना अहम होगा कि क्या सुशील कुमार का जो डाइट जो डिमांड कर रहे हैं क्या उन्हें मिलेगा, या फिर ऐसे ही जो जेल में 4 रोटी, चावल, दाल, सब्जी, ये सब कुछ मिलता है, उसी से खा के उनको अपना पेट भरना होगा, पेट पालना होगा। खैर, इस बात पर नहीं बात करते हैं, इस बात पर आते हैं कि उनकी पत्नी ने क्या कहा सुशील कुमार से। तो 10 से 15 मिनट की पूरी बातचीत में ज्यादातर सुशील कुमार पहलवान ही अपने पत्नी से बात करते रहे। अपने घर का हालचाल पूछा, अपने बच्चों का भी हालचाल पूछा, अपने ससुर महाबली सतपाल का हालचाल पूछा। इस दौरान सुशील कुमार की आंखों में लगातार आंसू निकल रहे थे, लेकिन वो अपने आप को संभालने की पूरी कोशिश भी कर रहे थे। ये सब कुछ कैमरे के निगरानी में होता है, वहां पे आसपास पुलिस वाले, जेल के अंदर के स्टाफ रहते हैं। क्योंकि जितना बड़ा हाई प्रोफाइल केस होता है, जितना बड़ा आदमी होता है, उतनी ही चर्चाएं होती हैं। सुशील कुमार को बस सिर्फ एक चीज की चिंता खाई जा रही है अभी, कि उनको उनके डाइट के हिसाब से खाना नहीं मिल रहा। अब जब सुशील कुमार को उनके हिसाब से डाइट नहीं मिलेगा तो उनको लगता है कि वो पहलवानी नहीं कर पाएंगे, उनका शरीर आधा हो जाएगा तो पहलवानी कैसे करेंगे। लेकिन उनको नहीं पता कि उन्होंने जो गुनाह किया है, जो कृत्य किया है, उसके बाद पहलवानी तो वैसे भी नहीं कर पाएंगे। अब जेल में न जाने कितने दिन उनको इसी तरह से गुजारना पड़ सकता है। खैर, इस पूरी बातचीत के दौरान सुशील कुमार की पत्नी भी काफी कुछ कही। सुशील कुमार जो कुछ पूछते रहे, जो कुछ बात करते रहे, उनकी पत्नी ने बताया। लेकिन जो उन्होंने कहा कि मुश्किल वक्त है कट जाएगा, ये बातें दिल को छू गई और यही बातें सुशील कुमार के जख्म पर मरहम लगाने के लिए काफी हैं। लेकिन सुशील कुमार की पत्नी को ही पता है कि उन्होंने कह तो दिया कि मुश्किल वक्त है कट जाएगा, ये मुश्किल वक्त कितना मुश्किल है ये उन्हें भी नहीं पता होगा। और कैसे ये मुश्किल वक्त इतनी आसानी से कट जाएगा, इन सब बातों की चिंता अब सुशील कुमार के पूरे परिवार को खाया जा रही है। लेकिन इससे हैरानी वाली बात यह है कि सुशील कुमार पहलवान के ससुर महाबली सतपाल, जो कि खुद एक बहुत बड़े पहलवान हैं, सुशील कुमार पहलवान के गुरु हैं, अभी तक इस पूरे मामले में ना तो उनका किसी तरह से मीडिया के सामने बयान आया और ना ही उनकी पत्नी का किसी तरह से मीडिया में अपना बयान आया। इस तरह से साफ होता है, क्या सुशील पहलवान के परिवार वाले मीडिया के सामने, मीडिया के समक्ष आकर क्यों अपनी बातें नहीं रखना चाहते हैं। खैर, इस मामले में हम पूरा अपडेट आगे जो कुछ होता रहेगा आपको पल पल की रिपोर्ट देते रहेंगे। आप बने रहिए बीडीएफ न्यूज के साथ। आप बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आप इतना प्यार दे रहे हैं, आप इतना सम्मान दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।